पंजाब के हर एक नौजवान की इच्छा है कि असी विदेशी धरती से जाइए अपनी लाइफ सैट करिए। जो विदेशी धरती की गल आती है तो सब तो पहला लोगों के मन के जो सवाल आता है वह यह होंगे कि कंट्री जाइए, किवें जाइए, किस तरह जाइए। ये इंटरव्यू देख के बहुत सारे नौजवानों के मन सवाल खड़े होणगे भी असी अज तक बेवकूफ़ी बनते रहे या सानू कंसल्टेंट्स मूर्ख ही बनाते रहे भी जिहड़ियां गल्लां इस इंटरव्यू दे विच दसियां गईयां वो अज तक सानू पता ही नहीं। यूके की गल करिए उतों की जो करंसी है वो इंडिया दे विच बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो लोग भी ज़्यादा कहते हैं भी असं यूके जाइए उतें दी ज़्यादा मेहनत करांगे तो इतने वध पैसे बन जाएंगे, तो यूके के पैरामीटर्स की रहिंदे ने जाण। पंजाब दे विच बहुत सारे इमीग्रेशन के ऑफिस खुले हुए हैं, लोगों के मन सवाल होंगे भी असं किस पर यकीन करिए, DSR इमीग्रेशन बाकी इमीग्रेशन नालों वखरा कि। मैं ना पहले ही ऑब्जेक्टिव जिहड़ा पाया, तुसीं कदी देखना मेरे फेसबुक पेज दे विच, उहदे विच मैं पहले ही पाया कि फाइंड, मतलब बिल्कुल रिफाइन करके असीं अपनी पारदर्शी पूरा शो करदे आ ताकि किते भी बच्चे का नुकसान ना होवे। जे आपां कनेडा की फाइल लाई है, मान लो किसी कारण करके रिफ्यूजल आ गई, बच्चा चाहता है भी असीं कनेडा ही जाना, इस तों इलावा जे कनेडा तों नहीं बन रहा तो उस स्टूडेंट लई होर किहड़े राह खुले होए ने। तेरह बार भी रिफ्यूजल है तुसी उहदा एस्केलेशन करके वीजा लै सकते हो। अज डिले इन प्रोसेस दे करके कैनेडा दे कोल ह्यूज फाइल्स लगन दे करके उन्होंने एक एंटी टास्क इमीग्रेशन फोर्स बना दी। उन्हें जिहड़े मेरे को बच्चे गए है उन्होंने चार चार पाँच पाँच बार रिफ्यूजल्स और घट्टो घट्ट छे छे साल का गैप प्लस टू दे विच। बहुत सारे इमीग्रेशन या कंसल्टेंट्स होंगे वो तो यह दसते ही नहीं है कि भी इन्नी बार रिफ्यूजल हो सकती है जां दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं। दुकानदारी है, हर बंदा कहता कि जी एक कंट्री नहीं बिकता तो आप ऑस्ट्रेलिया भेज दिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं बिकता तो आ भेज दिए। यूके की डिग्री जी वर्ल्ड वाइड रिकोगनाइज है और जो आप अप्लाई करते हैं अप्लाई के कुछ भी डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा नहीं चाहिए, एक फंड्स की रिक्वायरमेंट है, 28 दिन पुराने फंड चाहिए आ, तुसी फीस भेजी, कैश लैटर आया, वीजा आ गया। जो भी तुसी पर्मुटेशन कंबीनेशन अपने कोर्स नू लेके करियर नू लेके जो तुसी फेर बदल करदे हो तो गवर्नमेंट उन्हों हिट करती है। हिट की करती है, तुहानू पहला नहीं पता लगता, तुसी पहला तक कमाइयां दे विच लगे रहते हो, इहदा मतलब तुसी पढ़ाई वास्ते नहीं आए सीगे, तुसी जेन्युइन स्टूडेंट नहीं सीगे, इस करके तुहानू PR नहीं दित्ती जांदी। कंसल्टेंट्स जो अपने यूथ में जो उन्होंने को पहुँचते नहीं उन्होंने ये कह देंगे ने भी वड्डी शहर के जोड़ा है PR छेती नहीं मिलती, तुसी छोटे शहर वाल कूच कर लो, इस कि सच्चा। जिते जॉब करते पे तुम्हें पता है उत्तर किन्ने इंप्लॉयमेंट है, उत्तर किहड़े किहड़े लोग काम करते पे है, तुहाडी अटेंडेंस रिकॉर्ड बनता पिया, तुहाडी ITR जाती पई है, तुहाडी सैलरी अकाउंट चलती पई है, जिन्हें साल तुम जॉब की ITR भरी कि नहीं भरी। ऑस्ट्रेलिया पूरा पुख्ता रिपोर्ट पूरा गैप दे एविडेंसेस मंगती है। कंसल्टेंट्स होंगे वो ये भी ऑफर दिते ने, बिल्कुल भी क्या भी गैप में असं कंप्लीट कर देंगे जे अकाउंट च पैसे शो कर देंगे, वो सच्चा सच होंगे या फिर वह भी एक बिजनेस का जरिया ही बनाया हुआ। स्टूडेंट जो भी अप्लाई करता तो उन्होंने आप को पता होना चाहिए कि मेरी कॉस्टिंग की आ रही है और मैं एक्स्ट्रा कॉस्टिंग की दे रहा, तो पहला तो उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस, यूनिवर्सिटीज ऑप्शन, फीस स्ट्रक्चर, ठीक है किहड़ा कोर्स लेना है, किहड़े किहड़े डॉक्यूमेंट्स देखो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हैगी, प्रॉपर एग्रीमेंट आफ्टर वीजा की करना की लेना आप, ठीक है सारा कुछ आप क्लीयर विजन लेके चलते, कोई भी चीज़ हिडन नहीं है। डेली पोस्ट पंजाबी वेख रहे हो, मैं तुहाडे नाल नवदीप मान। पंजाब के हर एक नौजवान की इच्छा है कि असी विदेशी धरती से जाइए अपनी लाइफ सैट करिए। जो विदेशी धरती की गल आती है तो सब तो पहला लोगों के मन के जो सवाल आता वो ये होंगे कि कंट्री जाइए, किवें जाइए, किस तरह जाइए। बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई मापियां के वलों अपने बच्चे से लगानी होंगी है, तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए अज असी पहुंचे हाँ DSR इमीग्रेशन एजुकेशन एंड कंसल्टेंट तो रविंदर सल्होत्रा जी साढ़े नाल ने उन्हें गलबात कर दें। सर स्वागत है। सत श्री अकाल जी सारे नू, मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। सारे स्टूडेंट्स का सब तो पहला तो स्वागत है अपने टॉकिंग जिदे विच भी तुहाडे जिहड़े क्वेश्चन्स हैगे अज रिस्क नू आपां गल करदे पए सी कि जिहड़ी गाढ़ी कमाई है बहुत जल्दी डुब सकती है, बहुत जल्दी लग सकती है, ये सारिया चीज़ों के उत्ते आपां डिस्कस करांगे। इस तो पहला मैं यही दसना चाहवांगा कि बने रहियो,
प्रॉब्लम की होंगी है कि जो स्टूडेंट जो भी चोन करता है किसी भी कंट्री दे लाइक कैनेडा या ऑस्ट्रेलिया या यूएसए या यूके, पहला तो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चैक करे कि किड़ी कंट्री दे विच वो जाना चाहता है। जो भी कंट्री चैक करता है तो चैक का एक पैरामीटर नहीं होंगे, पहला तो पढ़ाई, उस तो बाद जी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, आईएलटीएस जिन्होंने बोलते हैं, आयल्स बोलते हैं जिहड़े, इस तो बाद अगर आप गैप दे लैके चलते हैं, गैप एविडेंस के उन्हें की किया बच्चे ने, ठीक है, प्री रिक्विजिशन जो आप ऑफर लैटर अप्लाई करते हैं तो कॉलेज सानू पुछते हैं कि बच्चे ने की किया। अगर मान लो बच्चे को रिफ्यूजल सीगा तो आप दस सकते कि दो बार रिफ्यूज हो गया जी, साल दे विच फाइल आई सी, पूरा साल लाता आप इंग्लिश पढ़न दे विच, आयल्स पढ़न दे विच, ये चीज़ आप मैनशन कर सकते हैं। सो ये स्कूटनाइज करने का तरीका जिहड़ा हैगा अलग अलग कंट्री का अलग अलग मतलब पैरामीटर्स है, लाइक रिक्वेस्ट जिहड़ी जिहड़ी आप जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करते हैं तो उहदे विच वो रिक्वायरमेंट मंगते हैं, तुहाडे कोल फाइनैंशियल्स हैगे, तुहाडे को गैप हैगा, तुहाडे को रिफ्यूजल्स हैगा, तुहाडे रिफ्यूजल किस तरह आई है, इस सारिया चीज़ों के उत्ते चर्चा करके तो वीज़ा प्राप्त होंदा, ताकि आपां वीज़ा ऑफिसर नूं एक कंपेल नहीं करना होंदा कि सानू वीज़ा दो, सानू उन्हूं कहना पैंदा कि मेरे पैरामीटर पूरे होंदे पए आ, मैं वीज़ा लै सकदा है, मेरा वीज़ा मैनूं दो। जी बिल्कुल रविंद्र जी, अज पंजाब दे विच ने एक धारणा बनी हुई है भी साडे गवांडियां दा फलाना मुंडा गया होया कनेडा, साडे रिश्तेदार कनेडा ने, असीं जाणा कनेडा ही है, ते कनेडा सब तो वड्डी प्रायोरिटी बन गई है पंजाब दे यूथ लई, ते कनेडा जाण लई सब तो पहला बैंड किन्ने चाहिए, क्योंकि मेन काम जो बैंड्स ते खड़ा हुंदा। बिल्कुल छोटा जिहा मतलब एक अगर तथ्य लैके चलदे आ, सब तो पहला तो बैंड दी रिक्वायरमेंट जिहड़ी है 6 ईच दी रिक्वायरमेंट है यूजी दे विच, यूजी मतलब प्लस टू, जिहड़ा प्लस टू पास करके अप्लाई करदा उस बच्चे वास्ते सिर्फ 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है ईच। और इसी तरीके अगर आप पी जी की गल करते हैं तो वो रिक्वायरमेंट जी हैगी है वो हैगी 6.5 नॉट लैस दैन 6। कोर्स के उत्ते डिपेंड करता समटाइम कि तुसी कोर्स किदा दे लैंदे, लाइक समटाइम कि उन्हें कि असी मेडिकल के कोर्सेस लेते हैं, कई बार आयल्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी जी बच जाती है, वह रीज़न है, हर चीज़ के पिछे एक रीज़न है कि तुहाडी उहदी आयल्स की रिक्वायरमेंट क्यों वध है, क्योंकि तुसी उत्थे जाके पेशेंट नूं मिलना है, पेशेंट नूं अगर गलत टीका लग गया कम्युनिकेशन दे करके, जे तुहानूं कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो गलत टीका लग गया तो स्टूडेंट मतलब क्या जिहड़ा पेशेंट मर सकता, तो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स वास्ते हमेशा जिहड़े आयल्स दे स्कोर है कई बार ज़्यादा चाहिए होंदे। बिल्कुल, इस तो अलावा जो आप कनेडा की फाइल लाई है, मान लो किसी कारण करके रिफ्यूजल आ गई, बच्चा चाहता है भी असं कनेडा ही जाना है, इस तो अलावा जो कनेडा तो नहीं बन रहा तो उस स्टूडेंट लिए होर किहड़े राह खुले हुए हैं, किहड़ी कंट्री जी गल है, सब तो पहला तो घबराने वाली कोई गल नहीं है, 13 बार भी रिफ्यूजल है तुम वह एसकलेशन करके वीज़ा लै सकते हो, पहली गल तो फस्ट चॉइस अगर कनेडा है तुम वीज़ा प्राप्त कर सकते हो, वो वास्ते तुम वीज़ा ऑफिसर को समझाना पड़ेगा कि मैं जिहड़े कंसर्न मैनू लाए आ कि मेरी कंसिस्टेंसी या मेरी जिहड़ी पढ़ाई का तुहानू लगता कि परपज या विजिट क्लीयर नहीं है तो तुम उन्हों कर सकते हो कि मैं पढ़ाई वास्ते चलना है, उन्होंने दसना पड़ेगा कि मैं क्यों पढ़न चलना है, राइट, SOP स्ट्रोंग करके लाने हैं और जिहड़ियां खामियां उन्होंने अगर पूरियां करके लाने हैं तो श्योर वीज़ा आंदा है, 100% वीज़ा आंदा है, तुम गरंटी का भी वीज़ा लै सकते हो साडे कोल आके, बट सानू पूरी प्रोफाइल की डिटेल्स तुहानू देनी पेगी कि लास्ट टाइम रिफ्यूजल्स होई सी, कदे रिफ्यूजल्स होई सी, अज की डेट से रिफ्यूजल आ रही है, रिफ्यूजल आने का जिहड़ा मतलब जिहड़ा कंकलूजन है की आ, अज डिले इन प्रोसैस के करके कैनेडा के कोल ह्यूज फाइल्स लगन के करके उन्होंने एक एंटी टास्क इमीग्रेसन फोर्स बनाती जिड़ी कि आप AI कह सकते आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी के थ्रू मतलब जी फाइल चैक हो रही, एक मशीन उन्हें चैक करता पाया और तुरंत उन्होंने मतलब रिफ्यूज करके दे रहा, अज लोग कह रहे कि नहीं कैनेडा ने बंद कर दिया जी वीज़ा नहीं आने जी, इदा का कुछ नहीं, अच्छ 7 बैंड के वीज़ा रिफ्यूज हो रहे, अगर वो दूसरी बार तीसरी बार भी अगर वीज़ा अपलाई करेगा वीज़ा आएगा 100% आएगा, ये मेरी गरंटी है। रविंद्र जी तुसी बहुत वड्डी गल कह रहे हो भी 13 बार रिफ्यूजल होवे तां वी कैनेडा दा वीज़ा लग सकदा, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, तुसी वीज़े आके देख सकते हो 13 टाइम रिफ्यूजल्स, और एक मेरे को बच्चा रिसेंटली हुणे जिहड़े मेरे को बच्चे गए उन्हां दे 4-4, 5-5 बार रिफ्यूजल्स और घट्टो घट 6-6 साल का गैप प्लस टू दे विच बच्चा अप्लाई कर सकता, अज की डेट के लोग कहते कि प्लस टू के बहुत ज़्यादा गैप के वीज़ा नहीं आता, देखो थ्रू आउट की है कि तुसी कुछ ना कुछ किया है, फाइल जो लाई है रिफ्यूजल दे विच कुछ ना कुछ लाया, हो सकता है कि तुहाडे कंसल्टेंट को गलती हो गई होवे किसी चीज़ नूं एलाबरेट करन दे विच, उन्हूं आपां करैक्टर वेवर लै सकते हैं, आपां कह सकते हैं कि मैं इस चीज़ के वास्ते अवेयर नहीं सीगा, मेरी फाइल किसी ने लाई सीगी तो मैं अज मैं अपनी फाइल खुद ला रहा तो मैं इस चीज़ को मैं क्लीयर करता पाया, मैं तो एक्चुअल च ये पढ़ना चाहता सीगा, असीं डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल रविंद्र
ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਤੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਈਕ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੋਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਅਗੇਨ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਮੈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਆਇਲਟੀਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪਲੱਸ ਟੂ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਪਰਪਜ਼ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵੱਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਨੌਰਦਰਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਚੋਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਯੂਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਗਾ, ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਕੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਭੇਜੀ, ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਆਇਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ ਲਾਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ITR ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫੰਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਪਾਊਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡਸ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ, 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ PR ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੱਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ PR ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੋਰਸ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮ ਟਾਈਮ
पी आर का वेला आंदा है, जिहड़ी पढ़ाई असी करदे आ उहदी पी आर ही खत्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, वह कंट्री ब्लॉक कर देती है। वह कहती है कि नैक्सट जो आप खोलेंगे फिर आप तुहानू कॉल करांगे। सो उस करके भी कई बार बच्चे नू पी आर नहीं मिलती। रविंदर जी एक चीज़ ये भी सामने आती है, कुछ कंसलटेंट्स जो अपने यूथ जो उन्होंने को पहुँचते नहीं उन्होंने ये कह देंगे ने भी वड्डी शहर के जोड़ा है पी आर छेती नहीं मिलती, तुम छोटे शहर वाल कूच कर लो, इस कि सच्चाई। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी मतलब जिन्होंने भी कंसल्ट किया अगर उन्होंने नॉलेज हैगी कंसल्ट करते पे अकॉर्डिंग टू द बच्चा, मतलब बच्चे जो एप्लीकेंट है वो हिसाब ना उन्होंने कंसल्ट करना कि तुहाडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इत्थे मीट करदी पई है। लाइक अज कोई नर्सिंग का स्टूडेंट है, सिक्स नॉट लैस दैन 5.5 लैके बैठा, उन्हें बी एस सी नर्सिंग की हुई है, अगर उन्होंने डायरैक्टली कितने नर्सिंग का कोर्स नहीं मिलता या बी एड का कोर्स नहीं मिलता या कोई भी कोर्स नहीं मिलता तो उन्होंने की करना पैदा, ग्रैजुएट डिप्लोमा लीडिंग टू द मास्टर जाना पैदा। सो कई बार जी मेन यूनिवर्सिटीज है वो नहीं दिंदियां ऑफर, तो उन्होंने कई बार जोड़े रूरल एरिया है वो जाके अप्लाई कर सकता। सो दे विच पांच पॉइंट एक्सट्रा होंगे, पी आर दे विच पॉइंट एक्सट्रा होंगे और पी आर जल्दी मिलती है। सो उदा एक बेनीफिट तो रहेगा रहेगा। यानी कि जिहड़े बच्चे इधरों जाके उधर जाके यूनिवर्सिटी चेंज कर लेंगे वो नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और क्योंकि इतों ही तुसी प्लान करके जाओ कि आप करना की है और उस कोर्स को कंप्लीट करके तुसी दूसरा कोर्स भी लेंदे हो, क्योंकि देखो कई बार क्यों होता कि तुसी वैट तो बाद डिग्री से भी जा सकते हो, डिग्री तो बाद मास्टर से भी जा सकते हो, मास्टर तो बाद पी एच डी से भी जा सकते हो, लेकिन तुहानू स्टैप बाय स्टैप चलना पेगा। तो अगर तुसी डायरैक्टली कहोगे कि मैं प्लस टू तो बाद सीधे पी आर से जाना है तो रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री तुहाडा चलेगा। बिल्कुल, जे आप कैनेडा की गल करिए, आस्ट्रेलिया, यूके ते यूएसए, इन सारी कंट्रीज के लिए गैप कितने टाइम का असैप्टेबल? देखो गैप का एक डेफिनेशन अलग तरह की है, गैप सिर्फ आस्ट्रेलिया प्रॉब्लम हैगी है, आस्ट्रेलिया की करती है जो गैप है वो पूरा जस्टिफिकेशन देना पेगा तुम्हें। लाइक अगर तुम जॉब करते पे हो, सब तो पहला कितने जॉब करते पे हो, जिते जॉब करते पे तुम्हें पता है उत्थे किन्ने इंप्लॉयमेंट है, उत्थे किहड़े किहड़े लोग काम करते पे है, तुहाडी अटेंडेंस रिकॉर्ड बनता पिया, तुहाडी आई टी आर जाती पई है, तुहाडी सैलरी अकाउंट च आती पई है, जिन्हें साल तुम जॉब की आई टी आर भरी कि नहीं भरी। सो ये एविडेंसिस है। आप करते हैं नॉर्मली दूसरी कंट्री से की करते हैं, एक इंप्लॉयमेंट तो लैटर लें, एक्सपीरियंस लैटर है, सो एंड सो डेट तो टिल डेट तक असं काम करते पे या इस डेट तक काम किया तो नॉर्मली चल जाता है, लेकिन आस्ट्रेलिया पूरा पुख्ता रिपोर्ट पूरा गैप दे एविडेंसिस मंगती है। तो ये चीज़ों को देखने वाला है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली इस चीज़ों को लेकर चलते हैं तो अपन बड़ा ईजी लगता है कि ये तो आराम ना हो जाएगा जी, आस्ट्रेलिया मेरा क्यों नहीं लगेगा जी, तुम दसो, लोग आते हैं। सो समटाइम की करते हैं कि लोग की ग्रैप करते हैं, आपका सब कुछ कर देंगे, हम लोग गैप भी कर देंगे, हम पैकेज लेंगे जी। ठीक है, तो बच्चा उस जगह जाके ट्रैप होंदा और इस करके ठगी का शिकार भी होंदा। बिल्कुल सर, बहुत सारी जिहड़े कंसलटेंट्स हुंदे ओह भी ऑफर्स दिते ने, बिल्कुल तुसीं भी कहा भी गैप नूं असीं कंप्लीट कर दांगे जां तुहाडे अकाउंट च पैसे शो कर दांगे, ओह सच हुंदा है जां फिर ओह भी एक बिजनेस दा जरिया ही बनाया होया? विच सिस्टम की है कि स्टूडेंट आया, एक नॉर्मल स्टूडेंट आके कहिंदा मैं मेरे को पैसे है नहीं, मेरे को मॉर्गेज हैगा मेरी लैंड, मेरा वीजा आ गया, मैं पहली भेज दूंगा। बिल्कुल ठीक है, ये नॉर्मल गल है, नॉर्मल गल हो गई। सो इस तरीके ने जो भी आप काम करते हैं, जो भी इस तरीके ने काम करते तो रिस्क फैक्टर रहेगा। हुण रिस्क की डेफिनेशन की है, रिस्क की डेफिनेशन हैगी पैरल हैजट एंड की होएगा, एक्सीडेंट हो गया तो की होएगा, एक्सीडेंट हो गया तो नुकसान की हो सकता है, अगर नुकसान हो गया तो वह खामियाजा की होगा, तो ये रिस्क सेफ्टी का हो है। तो बच्चे नूं आप ध्यान देना पेगा कि मैं किस तरह अप्लाई करना, सब दे पॉकेट साइज एक नहीं हुंदा, सब नूं डिसाइड करना पैंदा या फिर वो कितों ना कितों मनी जनरेट करता है, तो इस तरीके का चलता है। सो स्टूडेंट जो भी अप्लाई करता तो उन्होंने आपको पता होना चाहिए कि मेरी कॉस्टिंग की आ रही है और मैं एक्स्ट्रा कॉस्टिंग की दे रहा, तो वो बैलेंस उन्हें आप करना है, उन्हें डिसाइड आप करना कि मैं एक रुपए की चीज़ लेनी है कि ये दस रुपए की चीज़ लेनी है, वही एक रुपए की चीज़ दस रुपए की भी मिलती है, जिहड़ी चीज़ पसंद है कई बार नहीं मिलती है, लॉ ऑफ डिमांड चलता है, इतने लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली बच्चा अप्लाई करता जी। बिल्कुल, ये इंटरव्यू देख के बहुत सारे नौजवानों के मन सवाल खड़े होंगे भी असं अज तक बेवकूफ ही बनते रहे या सानू कंसलटेंट्स मूर्ख ही बनाते रहे, भी जिहड़ियां गल्लां इस इंटरव्यू दे विच दसियां गईयां वो अज तक सानू पता ही नहीं लगे। देखो मैं ये चीज़ कोई एक्सट्रा नहीं दसदा, एवरी डे एवरी वन इज स्पीकिंग लाइक दिस। ठीक है, सारे लोग यही चीज़ां तुहाडे नाल एलिबरेट करते पे आ, हर बंदे नूं दस्या जांदा है कि डर हैगा
रिस्क हैगा, आ चीज़ा हैगियाँ जे तुसी इत्थे करदे आ आ नुकसान होएगा। असी सिर्फ तुहानू कैलकुलेशन करके देनी आ कि कद की नुकसान हो सकता है जे तुहाडा वीज़ा नहीं आता। ठीक है, जे वीज़ा आता है तो तुहाडा की बेनीफिट्स हैगे, नुकसान की है, किहड़े कॉलेज च जाना है, किदा दा वीज़ा लै सकते हैं, ये सारिया चीज़ा मिल के गल कर सकते हैं। कई लोग अज हुण वीडियो देखने तो बाद मैम एक बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फोन तो डिस्कस करना चाहणगे, फोन दे विच कागज़ डिफाइन नहीं कर सकते और एक एक चीज़ को डिफाइन करने वास्ते टेबल टॉक करना बहुत जरूरी है। सो पेपर लैके अगर पहुँचूंगे तो आप एनालाइज कर सकते हैं, अदरवाइज फोन के बिच मैं बिल्कुल ही इंटरटेनमेंट नहीं करता। मैं टीम को यही कहना कि मैं फोन के बिच कोई क्लाइंट ना समझा को, क्योंकि कई लोग सिर्फ फोन से समझना चाहते, जे किसी ने कोई भी जानकारी लेनी है तो मिल के आप बह के डिस्कशन कर सकते और एलैबोरेट कर सकते। किस दिन तुहानू मिल सकते हैं, कितने तुहाडा ऑफिस? सोमवार तो लैके थर्सडे तक मैं चंडीगढ़ हुंदा, थर्सडे तो बाद फ्राइडे तो लैके सैटरडे तक मैं जलंधर ब्रांच हुंदा, साडियां दो ब्रांच हैगी है। ठीक है, तुसीं मैनू मिल सकते हो, मेरी टीम मिल सकते हो, जे किसी ने अगर मान लो फ्राइडे से अगर आना है तो साडी टीम हैगी चंडीगढ़ के विच, उन्होंने भी मिल सकते हो। जे मंडे तुसीं जलंधर जाना है तो उत्थे भी टीम हैगी, उन्होंने मिल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रविंदर जी, पंजाब दे विच बहुत सारे इमीग्रेशन दे ऑफिस खुले हुए ने, लोगों के मन सवाल होंगे भी असं किस ते यकीन करिए, DSR इमीग्रेशन बाकी इमीग्रेशन नालों वखरा किवें? देखो मैं ना पहले ही ऑब्जेक्टिव जिहड़ा पाया, तुसीं कदी देखना मेरे फेसबुक पेज दे विच, उहदे विच मैं पहले ही पाया कि फाइंड, मतलब बिल्कुल रिफाइन करके असी अपनी पारदर्शी पूरा शो करते हैं ताकि किते भी बच्चे का नुकसान ना हो। पहली गल तो असी बच्चे को जो लेना कह के लेना, सिंपल जी जो लेना कह के लेना, आप बच्चे को कभी इदा नहीं करके लेंदे कि कोई हिडन चार्जेस होते, लाइक लोग जिदा करते फेयर डील होएगी, अपन तुहानू जो जेन्यून कोर्स मिलना है उसके अकॉर्डिंगली आप एडमिशन लैके देवे किसी भी कंट्री के, लाइक असं 29 कंट्रीज के बिच डील करते हैं, लेकिन आप चार कंट्रियां ज़्यादा प्रमोट करते हैं क्योंकि इतने डिमांड हैगी चार कंट्रिया की। सो आप अकॉर्डिंग टू पंजाब के हिसाब से चलते मैम। रविंदर जी, कड़ी फैसिलिटीज़ बच्चों दिखाई जाने जे इतने पहुँचते हैं बाकी इमीग्रेशन ऑफिस के? देखो आप सब तो पहला तो उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस, यूनिवर्सिटीज ऑप्शन, फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, किहड़ा कोर्स लेना है, किहड़े-किहड़े डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हैगी, प्रॉपर एग्रीमेंट आफ्टर वीज़ा की करना की लेना आप, ठीक है, सारा कुछ आप क्लीयर विजन लैके चलते, कोई भी चीज़ हिडन नहीं है। कोई भी बच्चा ये नहीं आके कह सकता कि रविंदर जी ने आ किया सीगा, DSR ने आ किया सीगा और आ कीता। अज तक मेरी लाइफ दे विच मैं कभी लिटिगेशन च नहीं आया, कभी किसी चीज़ के विच नहीं आया, क्योंकि मेरा दिल साफ हैगा। सो असी साफ दिल लैके काम करते हैं, प्रॉफिट कोई मैटर नहीं करता, मैटर ये करता कि आप सर्विस की देनी है। सो मेरी ये कोशिश होंगी है कि बच्चे नू एक अच्छी सर्विस दी जाए। रविंदर जी, यूथ नू की अपील करोंगे, क्योंकि बहुत सारे बाजार दे विच आपां इह कह लईए वी झोला छाप इमीग्रेशन ऑफिस भी खुले हुए हैं, तो बच्चे उन्हां च भी कई बार फस, बिल्कुल अज की डेट से एक बंदा कहता रिक्शा वाला भी जा सकता है, आपने कुछ नहीं किया तब भी जा सकते हो, इदा दियां बड़ियां गल्लां मैं सुनियां। ठीक है, बट कई बार ना मैनू यह लगता कि शायद उन्होंने पेपर मैनिपुलेट करने होंगे तो इदा कहने। सो इस चक्कर दे विच यह हो सकता कि तुहानू यह भी ना पता लगे कि तुहाडे पेपर किहड़े लगे सीगे। सो मैं ये कहना चाहूँगा जेन्यून अपने पेपर लाओ, जो अपने कोल हैगा उहदे हिसाब नाल की हुंदा, जे अगर तुहाडा बैंड लग गया तो कल नूं तुसीं उस कंट्री च जान लायक नहीं रहोगे, 5 to 10 साल का बैंड लग सकता है। सो इस करके आप डिसाइड करना कि तुसीं बचना किदा है। सो इहदे विच सारा बंदा हर बंदा सियाणा अज, ठीक है, तो अपनी जिहड़ी मतलब की कहिंदे नूं एक्सीडेंट तो बचना खुद दी ड्यूटी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। राइट, थैंक यू जी, सत श्री अकाल जी। तां इह सन DSR इमीग्रेशन तो रविंदर सहोता जी, जिन्हां ने बड़ी डिटेल दे नाल जानकारी दित्ती कि जेकर तुसी कैनेडा, आस्ट्रेलिया, UK जां USA जाना है, किस तरह तुसी अपना जो है चुन सकते हो, सबजैक्ट चुन सकते हो, किस तरह अगे जा के किस तरह तुसी बैंक की डिटेल्स दिखाने, क्योंकि बहुत सारे इमीग्रेशन के वलों जो है बच्चों को भंबल भूसे च पा दिता जाता है कि असी सब कुछ कर देवांगे। जेकर तुसी भी इन्हां नाल संपर्क करना चाहते हो तो इन्हां दीआं दो ब्रांचिज ने, जलंधर दे विच भी है ते चंडीगढ़ दे विच भी है, वर्किंग डेज दे विच आके इन्हां नाल मिल सकदे हो ते सारी जानकारी हासिल कर सकदे हो कि आखिरकार तुहाडे बच्चे की कैपेबिलिटी की है, किस कंट्री दे विच उन्हां नूं भेजना वैलिड होगा। अजिहियां शख्सियतां, अजिहियां जानकारी भरपूर इंटरव्यूज करते रहांगे, जुड़े रहो डेली पोस्ट पंजाबी दे नाल।